वेलकम टू माय चैनल ज्ञान की गरीबी। आज हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर जो यूनिट थर्ड है उसके अंदर जो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन हम उसकी बात कर रहे थे, उसमें हम सेकंड मेथड की आज बात करने वाले हैं, बॉलहार्ड मेथड की। तो इसके अंदर जनरली हम बात करेंगे अलग अलग एग्जाम्पल्स के बारे में, उनके टाइट्रेशन के बारे में। सो इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो अब इसके अंदर जनरली क्या होता है, ये मेथड के द्वारा जो है इसमें फॉर्मेशन होता है सोल्यूबल कलर्ड कंपाउंड का। तो अब हम इसके अंदर एग्जाम्पल्स देखेंगे जिसके अंदर हम सोल्यूबल कलर्ड कंपाउंड का जो है फॉर्मेशन करेंगे। तो सबसे पहला है, हमें किसी सॉल्यूशन के अंदर जो है सिल्वर आयंस का डिटर्मिनेशन करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। तो जो बॉलहार्ड मेथड है इसके अंदर हम सिल्वर आयन को, जो सिल्वर आयंस होते हैं इसको हम टाइट्रेट करवाते हैं नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में, और इसको हम टाइट्रेट करवाते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ में, पोटेशियम या फिर अमोनियम थायोसाइनेट सॉल्यूशन के साथ में। तो इसके अंदर हम इंडिकेटर भी यूज करते हैं, वो होता है फेरिक इंडिकेटर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हम ब्यूरेट में जो है पोटेशियम या फिर अमोनियम थायोसाइनेट का सॉल्यूशन ले लेंगे और इसके साथ में हम जो है टाइट्रेशन करवाते हैं एजी प्लस आयंस की, और इसके अंदर नाइट्रिक एसिड भी प्रेजेंट होता है और फेरिक इंडिकेटर भी प्रेजेंट होता है। इसके बाद में क्या होता है, जब हम पोटेशियम और अमोनियम थायोसाइनेट की जो है रिएक्शन करवाते हैं इसके साथ में, तो इनिशियली जो है प्रेसिपिटेट होता है, इनिशियली क्या होता है सिल्वर थायोसाइनेट जो है वो प्रेसिपिटेट होता है। तो इसमें जो सिल्वर आयंस है वो थायोसाइनेट के साथ में प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। उसके बाद में जब सिल्वर आयंस जो है वो प्रेजेंट नहीं रहते हैं, जब सारे सिल्वर आयंस थायोसाइनेट के साथ में रिएक्ट कर लेते हैं, उसके बाद में क्या होता है, ये जो थायोसाइनेट होता है वो फर्दर जो फेरिक इंडिकेटर है इसके साथ में रिएक्शन करता है और वो फॉर्म करता है फेरिक थायोसाइनेट। तो ये जो फेरिक थायोसाइनेट बनता है ये फॉर्मेशन करता है रेडिश ब्राउन फेरिक थायोसाइनेट का। तो ये जो है वो जनरली इसमें जो फेरिक थायोसाइनेट है वो एक सॉल्यूबल कलर्ड कंपाउंड बन जाता है बॉलहार्ड मेथड के द्वारा। तो ये जो है वो इसका जनरली मेथड होता है। सो गाइस, अब हम क्या करेंगे, सेकंड हम डिटर्मिनेशन करेंगे हैलाइड आयन का एक एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर, कि उसमें हैलाइड आयन जो है हम उसका डिटर्मिनेशन करेंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, हम जैसे हैलाइड आयन यहाँ पे क्लोराइड ले रहे हैं एज ए एग्जाम्पल, तो इसमें क्लोराइड आयन के डिटर्मिनेशन के लिए हम क्या करेंगे, एक मेजर करके हम लेंगे एक्सेस में स्टैंडर्ड AgNO3, उसको हम ऐड कर देंगे। तो उसको ऐड करने से क्या होता है कि जैसे हम क्लोराइड आयन में AgNO3 ऐड करेंगे तो उससे AgCl जो है वो इसमें प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो ये जो है वो कम्प्लीटली प्रेसिपिटेट हो जाता है और जो एक्सेस में जो Ag+ जो आयन्स बचते हैं, जैसे सारे जो क्लोराइड आयन्स है जब इसके साथ में रिएक्ट हो जाते हैं तो जब सिल्वर आयन्स जो एक्सेस में हमने डाले थे जब वो बच जाते हैं तो हम उसको बैक टाइट्रेट कर देते हैं। तो उसको हम बैक टाइट्रेट करते हैं स्टैंडर्ड अमोनियम या फिर पोटेशियम थायोसाइनेट सॉल्यूशन के साथ में, और उसमें हम फेरिक को एज ए इंडिकेटर जो है वो यूज करते हैं। तो जब एंड पॉइंट आता है तो एंड पॉइंट में जो बैक टाइट्रेशन होता है उसमें रेडिश ब्राउन फेरिक थायोसाइनेट जो है फॉर्म हो जाता है। तो जैसे हम रिएक्शन में भी देख सकते हैं, तो सबसे पहले सोडियम क्लोराइड में अगर हम एक्सेस में AgNO3 डालते हैं तो ये जो है वो प्रेसिपिटेट कर देता है सिल्वर क्लोराइड को। उसके बाद में जो एक्सेस में Ag+ आयंस बचते हैं उसको हम बैक टाइट्रेट करवा देते हैं पोटेशियम थायोसाइनेट के द्वारा और फॉर्म होता है सिल्वर थायोसाइनेट। उसके बाद में जो फेरिक इंडिकेटर होता है वो जो है रिएक्शन करता है पोटेशियम थायोसाइनेट के साथ में और फॉर्म करता है फेरिक थायोसाइनेट, और इसमें रेडिश ब्राउन जो कलर है वो इस कलर का होता है। तो ये थी इसकी दूसरी जो है वो डिटर्मिनेशन। सो गाइस, अब हम कुछ प्रॉब्लम्स की बात करेंगे जो कि हैलाइड आयन के डिटर्मिनेशन के टाइट्रेशन में जो है आती है कुछ प्रॉब्लम्स। तो फर्स्ट इसमें जो प्रॉब्लम आती है बॉलहार्ड टाइट्रेशन के अंदर,
वो होती है कि जो एक्सेस में सिल्वर आयंस प्रेजेंट होते हैं वो कई बार क्या होता है, जो AgCl प्रेसिपिटेट होता है उसके ऊपर एड्सॉर्ब हो जाते हैं, और इससे क्या होता है, जो एंड पॉइंट होता है वो प्री, मतलब पहले ही जो है वो एंड पॉइंट आ जाता है बैक टाइट्रेशन के दौरान। तो इस प्रॉब्लम को हम ओवरकम कर सकते हैं कि हम जो है जो मिक्सचर होता है उसको हम विग्रसली शेक कर सकते हैं बैक टाइट्रेशन के पहले, ताकि जो सिल्वर आयंस है वो डिजोल्व हो जाए। और अल्टरनेटिवली हम इसको, दूसरा हम क्या उपाय कर सकते हैं कि जो मिक्सचर होता है हम उसको बॉयल कर सकते हैं कुछ मिनट्स के लिए, और पोटेशियम नाइट्रेट जो है हम उसको यूज करते हैं ताकि जो सिल्वर आयंस है वो रिजॉर्प्शन जो है वो उसको रोक सके। उसके बाद में जो सेकेंड प्रॉब्लम आती है वो आती है कि जब सारे जो सिल्वर आयंस है वो रिएक्ट हो जाते हैं थायोसाइनेट के द्वारा, तो उसके बाद में क्या होता है, तो जनरली हमने जो पढ़ा कि जो थायोसाइनेट है वो जब सिल्वर आयंस के साथ में रिएक्ट कर जाता है तो उसके बाद में वो फेरिक इंडिकेटर के साथ में जो है रिएक्ट करता है। लेकिन कई बार क्या होता है, ये जो थायोसाइनेट है वो क्या करता है, वो AgCl प्रेसिपिटेट के साथ में रिएक्ट कर देता है। तो जो एंड पॉइंट आता है बैक टाइट्रेशन का, उसके अंदर जो एंड पॉइंट आता है वो हाई आ जाता है, ज्यादा एंड पॉइंट आ जाता है एक्चुअल रिजल्ट्स के थ्रू। तो ये जो है वो इसमें जनरली यही होता है कि जो थायोसाइनेट है वो फेरिक इंडिकेटर के बजाय जो है वो रिएक्ट कर लेता है AgCl प्रेसिपिटेट के साथ में। तो इस प्रॉब्लम को हम दो जो है वो दो तरीकों से जो है ओवरकम कर सकते हैं। तो सबसे पहला इसका तरीका होता है कि जो AgCl प्रेसिपिटेट होता है उसको हम बॉयल कर देते हैं कुछ मिनट्स के लिए, उसके बाद में प्रेसिपिटेट होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं फिल्ट्रेशन के बाद में, तो जो कोल्ड फिल्ट्रेट बचता है उसको हम फर्दर बैक टाइट्रेट करवाते हैं। उसके बाद में हम सेकेंड क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं कि जो AgCl पार्टिकल्स होते हैं हम उनको कोट कर देते हैं इमिसिबल लिक्विड्स के द्वारा, जैसे हो गया नाइट्रोबेंजीन। तो इस तरीके से हम जो है इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हैं वॉलहार्ड टाइट्रेशन के अंदर। सो गाइस, ये थी वॉलहार्ड मेथड, और इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान की करीबी, एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन फॉर माई न्यू वीडियोज़।